राम राम, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सोयाबीन के खरपतवार नाशक दवाई UPL के आयुष सवाल का पटेला और सीजेंटा के फ्यूजीप्लेक्स के बारे में। इन तीनों दवाई की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये तीनों दवाई सकरी एवं चौड़ी दोनों प्रकार के खरपतवारों को नियंत्रण करती है, जिससे इसमें अलग से दवाई बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। और हम बात करेंगे पटेला और आयरिस में क्या अंतर है तथा इन दवाइयों के फायदे और नुकसान और कीमत की बात भी बात करेंगे और रिकमेंडेड डोज की भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो सबसे पहले बात करते हैं पटेला और आयरिस में अंतर। पटेला और आयरिस में अंतर सिर्फ दोनों के नाम एवं कंपनी का ही अंतर है, बाकी सब उसमें सेम केमिकल है। पटेला और आयरिस में दोनों में ही सेम केमिकल है। इसके केमिकल के नाम की बात करें तो इसका केमिकल का नाम है सोडियम एसी फ्लोफेरेन प्लस क्लोरीना फाप्रोपगिल। आयरिस या पटेला का उपयोग सोयाबीन बुआई के 15 से 25 दिनों के बीच करनी चाहिए, जब खरपतवार 2 से 4 पत्ती के हो और खेत में पर्याप्त नमी हो। इस दवाई का असर 4 से 5 दिनों में दिख जाता है। यह चौड़ी पत्ती के खरपतवार जैसे फुलकिया, गाजर घास, दूधी, जंगली चौलाई, गुल मेहंदी, चिरपोटा जैसे बहुत से खरपतवारों को नियंत्रण करती है और सकरी पत्ती में सावा, दूब घास, मकड़ा घास, बनस, मक्का घास आदि को नष्ट करता है। 400 ml दवाई को 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ छिड़काव करें। इसकी कीमत की बात करें तो इसके 1 लीटर पैक की कीमत 1300 से 1500। अब हम बात करेंगे सीजेंटा के फ्यूजीप्लेक्स के बारे में। फ्यूजीप्लेक्स का टेक्निकल नाम है सफेन प्लस फ्यूजी फापी ब्यूटाइल है। फ्यूजीप्लेक्स सोयाबीन में चौड़ी तथा सकरी दोनों प्रकार के खरपतवारों को नियंत्रण करता है। यह चौड़ी पत्ती के खरपतवार जैसे बोखना, हजार दाना, पत्थरचट्टा, कजरू आदि प्रकार के खरपतवारों को नष्ट करता है। और सकरी पत्ती में बात करें तो सवा, बरू, मकड़ा घास, परा घास आदि को नष्ट करता है। उपयोग की मात्रा की बात करें तो 400 ml दवाई को 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ दर से छिड़काव करना। कीमत की बात करें तो इसके 1 लीटर पैक की कीमत 1300 से 1400 रुपये के बीच मिलता है। धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर हमें कुछ आप सुझाव या सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर नीचे कमेंट कर दीजिए।